आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईएसआर की इंटरसिटी इलेक्ट्रिक कोच बस। और ये जो बस है ना 13.5 मीटर लंबी है एंड 1.7 करोड़ के लगभग उसकी प्राइस है। आज इसके एक पूरा वॉकराउंड लेते हैं एंड देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज करने पे, और कितनी सीट्स हैं, कैसी सीट्स हैं, इंटीरियर कैसा है, वो सारी चीज़ें अपन चेक करेंगे। उससे पहले फ्रंट देखो, हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। फ्रंट में देख सकते हो LED DRLs आपको मिलेंगी, इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे LED में। उसके बाद में नीचे फॉग लैंप है, आईसर की बैजिंग है, EV की बैजिंग है। ऊपर जो वाइपर्स आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ में, जो आपको इसके मिरर्स मिलेंगे, मिरर्स के अंदर जो है लाइटिंग आपको मिलती है जो कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद ये जो बस है ना 3500 mm की जो है हाइट के साथ में आती है। अभी जो अपन चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में एंड फिर अंदर चलेंगे एंड फिर देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं इस बस के अंदर। सो यहाँ पे आप सबसे पहले कुछ इसके स्पेक्स देख लीजिए, ठीक है। अप टू 380 किलोमीटर तक की आपको रेंज मिलती है एंड ये जो बस है ना फास्ट चार्जर से 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज भी हो जाती है एंड नॉर्मल चार्जर से थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद में साइड से आप देखो लाइक कुछ ऐसी जो आपको लगेगी, जो टायर्स है ना वो इसके अंदर अपोलो के यूज़ किए गए हैं, 295 ATR 22.5, वही सेम साइज आपको टायर मिलेंगे जो वॉल्वो के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साइड से आप इसकी बॉडी देख सकते हो, सिंगल एक्सल है, मल्टी एक्सल नहीं है। पीछे जो है आपको अगेन सेम अपोलो का टायर है और सेम साइज है। पीछे भी जो है आपको काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकिंग मिलेगी। ये जो बस है ना ये लाइक अभी जो है लॉन्च की गई है, सो जल्दी जो है आपको ना मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ब्रेकिंग के लिए ज़्यादा जानी जा रही है, उसी के साथ इसी कंफर्ट के लिए भी। अभी इसका बैक देखो आप, ऑलरेडी आपने ऐसा मॉडल देखा होगा, मैंने खुद देखा है रोड पे, बट ये जो है इलेक्ट्रिक में है, सो इलेक्ट्रिक में अभी तक ये नहीं आई थी। टेल लाइट्स देखो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ में है, LED मतलब पूरा जो है LED सिस्टम आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। पीछे गेट दिया गया है जिसका एक्सेस अंदर से हम ले सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊँ। पीछे एक डैश कैम भी इसमें दिया गया है, कुछ ऐसे रिवर्स जो है इसका है। एंड जो है पीछे की साइड में ना आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर एंड देखते हैं कैसी है। अभी हमने वॉल्वो की वीडियो जो है बनाई थी, वो अंदर से कॉन्सेप्ट मॉडल था वैसे वो, बट अंदर से बड़ी ज़बरदस्त थी। तो चलिए चलते हैं, इलेक्ट्रिक गेट आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी जो अपन एंट्री करते हैं देखते हैं कि कैसी है बस अंदर से। सबसे पहले कंडक्टर की सीट यहाँ पर दी गई है, ये पूरा डैशबोर्ड अपना, और यहाँ पे जो है अपने को डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर ड्राइवर लाइक मैप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं और कैमरा वगैरह भी इसके अंदर शो करेगा। बाकी बटन से ढेर सारे, यहाँ पे कुछ गियर वगैरह का सिस्टम है, और ये पूरा अपना कंसोल है, ये स्टेयरिंग है नॉर्मल सा। तो ये सारे फीचर्स लाइक आपको इसमें फ्रंट में मिलेंगे। ड्राइवर सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है, ठीक है। ये इसका इंटीरियर है, लाइक वुडन फिनिश आपको मिलती है यहाँ पर भी, बीच में पूरी ये वुडन फिनिश आपको देखने मिलेगी। और बस का जो इंटीरियर है सीरियसली काफ़ी प्यारा इंटीरियर है। आगे देखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक चार्जर मिलता है इसमें, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी चार्जर मिलता है, हर सीट पे जो आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो अभी चलिए चलते हैं अंदर की साइड में। जो सीट्स हैं वो काफ़ी अच्छी जो है लाइक कुशनिंग के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अब आगे का चार्जर तो मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब इनके चार्जर कहें वो अपन चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहे हैं, तो आई थिंक आगे की साइड में कहीं दिए हैं। सो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दो चार्जर मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऊपर से, ये जो है नीचे एक लेग्स के लिए भी जो है दिया गया है कि भाई आराम से आप अपनी जर्नी की जो है कंफर्टेबल बना सकते हो। नीचे एम्बिएंट लाइटिंग है, ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग है। जो बस जो है वो काफ़ी लंबी है, सेगमेंट लॉन्गेस्ट बस इसको बोला गया। पीछे जो आपको एक गेट मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्टली बाहर निकल सकते हो, ठीक है। जैसे फ्लाइट में होता है एक आगे गेट एक पीछे गेट, कुछ उस तरीके से यहाँ पे जो है हर सीट के साथ में आपको लाइट्स मिल जाती है, ठीक है। AC मिल जाता है और एक यहाँ पे इमरजेंसी बटन भी जो है दिया गया है इन्होंने। स्पेस जो है काफ़ी अच्छा है, इमरजेंसी ऊपर की तरफ में भी है एक, और जो सीट है ना उसमें मैं बैठ के देखता हूँ एक बार कि कंफर्ट कैसा है। सो अभी जो है मैं बैठ चुका हूँ, इसको रिक्लाइन करते हैं थोड़ी सी। आय हाय क्या बात है, रिक्लाइन कर लिया सीट, और फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ किसी बस में पीछे की साइड में, वरना मैं आगे बैठना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जो कंफर्ट है ना गाइस, हाँ नेक्स्ट लेवल। तो कंफर्ट अच्छा है, बट इतनी जल्दी पता नहीं चलता ना, क्योंकि लॉन्ग राइड में ही पता चलता है, लॉन्ग ड्राइव में पता चलता है, लॉन्ग जर्नी में पता चलता है। तो आपको बता दो जो सीट्स है ना
वो आपको थोड़ी लाइक सॉफ्टर जो है मटेरियल के साथ में मिलती है, उससे क्या ना आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा जब आप लॉन्ग जर्नी करोगे इस बस के साथ में तब। बट ये जो है आपको नॉर्मली छोटे रूट्स पे देखने मिलेगी, क्योंकि 380 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, सो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा लंबे टूर पे जाएगी, सो कोई दिक्कत नहीं, कम्फर्ट अच्छा मिलेगा। अभी चलिए चलते हैं आगे की तरफ में एंड देन देखते हैं और क्या आपको इसमें मिलता है। वैसे यहाँ पे एक होल्डर भी मिलता है कि आप जिसको होल्ड कर सकते हो जब चलोगे ना बस में, सो उस टाइम पे। एक और चीज़ दिखाता हूँ, यदि आपको कोई भी सामान रखना है तो कुछ इस तरीके से दिया गया है इसका फ्रंट में, लाइक जैसे फ्लाइट्स में दिया जाता है ना उस तरीके से। सो काफ़ी प्रीमियम चीज़ है, यहाँ पे अपनी बोतल वगैरह रख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में फ्रंट सीट्स और देखते हैं इसकी, फ्रंट सीट्स लाइक ऑल्सो सिमिलर, बट यहाँ पे जो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जो आपको पूरा व्यू मिलेगा और यहाँ पर जो है चार्जर आपको मिल जाता है, ठीक है, वुडन फिनिश आपको मिलती है और जो व्यू है वो आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है। मिरर के अंदर जो है ना टाइमिंग लाइक जो वो इसकी क्लॉक है वो इसके IRVM के अंदर दी गई है, सो ये भी काफ़ी सही लग रही है। तो ये थी यार नई आइसर की जो है इंटरसिटी इलेक्ट्रिक कोच, ओके। और ज़्यादा डिटेल्स जाननी है ना तो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में जो है डिटेल का इसका लाइक शॉर्ट दिया था मैंने आपको, उसमें आप चेक कर सकते हो। सो बताओ मेरे को कैसी लगी आपके बस, बाकी कंफर्ट वाइज अच्छी है, रेंज आप लोग देख सकते हो 380 किलोमीटर से, सो वो ठीक है, लाइक इनफ है, और हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में आपको ज़्यादा भी देखने को मिल जाए। तो ये था यार आज की वीडियो में, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की, कोई भी डाउट्स हो कमेंट करना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।